हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल क्रिएटिव स्टूडियो एफएक्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी लेक्चर आ चुका है। ये देखिए, अभी तक आपने मेरा अबाउट अस वाला वीडियो नहीं देखा है जो सबसे लास्ट में है, ये ज़रूर देख लेना। इससे आपको जो भी सॉफ्टवेयर सिखाने वाला हूँ उसके बारे में आपको पता चलेगा कि उसका क्या बेनिफिट है और क्या काम होता है। और इतना सारा लेक्चर होने की वजह से अगर आप लोग को लेक्चर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके यहाँ से देख सकते हैं। 4 सॉफ्टवेयर का लेक्चर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको टोटल 20 सॉफ्टवेयर मिल रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिनेमा 4D का लेक्चर नंबर 48 है। अगर कुछ लोग नए हैं तो वो लोग ये जान लें कि इसमें जो भी मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, सारे टूल्स बता रहा हूँ और पूरा इसका यूजर इंटरफेस बता दिया हूँ, तो और ये सब जो ऊपर का पैनल है ये सब बता दिया हूँ। तो मॉडलिंग चालू हो चुका है, इसके बाद टेक्सचरिंग लाइटिंग आएगा। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा टेक्सचरिंग बताते रहता हूँ ताकि आप लोग कुछ भी बनाओ तो उसमें आपको अच्छे से अच्छा बने। तो चलिए आज हम एक सोफ़ा बना के देखने वाले हैं जो कि एकदम ही लो क्वालिटी का बनेगा और एकदम ही बेसिक बनेगा। उसके बाद मैं थोड़ा और अच्छे से सोफ़ा बताऊँगा बनाने पर, ये जो बेसिक है वो जान लेते हैं कि सोफ़ा बेसिक में हम कैसे बना सकते हैं। तो हम एक क्यूब ले लेते हैं, इसको छोटा किया मैं। ये हमारा जो सोफ़ा का ऊंचाई रहेगा कितना रखना है उसके हिसाब से आप इसको रखना, ये वाले को। ये देखो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ और इस इतना छोटा मैं बनाता हूँ। सेगमेंट्स ऑन कर लेता हूँ, डिस्प्ले में जाके ग्राउंडेड शेडिंग ऑन, इसको मैं करूँगा 3 और 3। ठीक है, ये हमारा 3 3 का हो गया, पर ये ज़्यादा ही मोटा हो रहा है, इसको पतला करता हूँ मैं। ठीक है, अभी सही है, इतना ही चाहिए था मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो एडिटेबल कर लूँगा। अभी एडिटेबल करने के इसमें मैं कुछ कट लगाऊँगा, तो राइट क्लिक करके लूप पाथ कट ये लेना है हमें। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ और एक इसको थोड़ा सा नीचे हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी नीचे ले लूँगा मैं, एक यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगा दे। ठीक है, और एक यहाँ पे लगाऊंगा मैं इस तरीके से और इस तरीके से। तो ये दोनों का गैपिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ये वाले को थोड़ा कम करूँगा मैं यहाँ से, ये हो गया। अब मैं एक यहाँ पे लगा देता हूँ और एक यहाँ पे लगा देता हूँ, अब दोनों का गैपिंग देखता हूँ तो ये वाले का ज़्यादा है तो मैं ये लगा दिया। तो ये मेरा इतना काम हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, ये वाले खाने को पकड़ूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा और सारे जितने खाने हमारे हैं ये मैं सारे को पकड़ लूँगा। पकड़ने के बाद मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा इसको अंदर लूँगा। अंदर लेने के लिए क्या है, इनर एक्सक्लूड, तो इनर एक्सक्लूड मारूँगा इस पर, थोड़ा सा अंदर जाएगा ये, हल्का सा। ठीक है, ये हल्का सा हमारा अंदर आ गया, थोड़ा सा और लूँगा मैं इसको। ठीक है, ये इतना काफ़ी है, बहुत ज़रा से ही करना है हमें। उसके बाद मैं इस पर एक्सक्लूड लगाऊँगा, तो इसमें जितना हमें अंदर लेना है हम यहाँ से ले लेंगे इस तरीके से। ये देखिए थोड़ा सा अंदर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर अप्लाई करूँगा वेबल। वेबल जब अप्लाई करूँगा तो ये देखिए इस तरीके से ये बाहर आएगा, ये देखिए। तो यहाँ से जो इसका साइज है हमें कैसा रखना है हम वैसा इसको डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा ऊपर नहीं चाहिए तो हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, या तो थोड़ा सा और कम, ज़्यादा ऊपर जा रहा है। और इसकी जो ये जो सिलेक्ट है
ये देखिए एकदम ही छोटा करना है या बड़ा रखना है, हमें जितना रखना है तो मैं इतना रखूँगा, ठीक है। अभी क्या करूँगा मैं, ये हो गया हमारा, ये देखिए। तो इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा एक सब डिवीजन सरफेस, ये सब डिवीजन सरफेस को उठाया इसके अंदर डाल दिया। तो जैसे मैंने उठाया और इसके अंदर डाला तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंडर में ये पूरा इसका शेप चेंज हो गया, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा इतना तो तैयार हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें छोटे तीन चार स्पीयर लगाऊंगा। स्पीयर का साइज मैं जो करूँगा एकदम ही छोटा कर लेता हूँ, ये और छोटा, बस इसको नीचे करूँगा और हम इसको रखेंगे यहाँ पे। इसका एक कॉपी और बनाया, एक यहाँ पे रखा, दोनों का कॉपी बनाया एक साथ में और यहाँ पे रख दिया। चारों को पकड़ के मैं इसके अंदर ले लूँगा, ये इतना। अब रेंडर में देखते हैं तो इस तरीके से दिख रहा है, तो मतलब और थोड़ा सा और अंदर जाएगा, ये हो गया। ये होने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा इस पहले वाला था ये मैं इसको पकड़ूँगा, अभी मैं इस पर टेक्सचरिंग करूँगा ताकि ये मेरा अलग दिखे। तो उसके लिए मैं यहाँ से लाइव सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और ये वाला जो हमारा एरिया है, पहले तो मैं इस पे जाऊँगा, ये यहाँ से ये वाला जो हमारा एरिया है, ये वाले एरिया को पकड़ना है हमें सिर्फ यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। अब ये सारा सेलेक्ट हो गया, उसके ऊपर मैं स्केल करूँगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इसका थोड़ा सा लुक जो है वो चेंज करने के लिए मैंने किया है, ये देखिए आप, ये इस तरीके से दिख रहा है। और सोफ़ा तो बहुत अलग भी बनता है, बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है सोफ़ा, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ एकदम बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद मैं थोड़ा सा हाई लेवल का बताऊंगा। ये हो गया, अभी जो हमारा ये है मैं ये चारों को पकड़ूंगा और इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके मैं करूंगा कनेक्ट ऑब्जेक्ट डिलीट, ताकि ये मुझे टेक्सचरिंग करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद मैं ये वाले को पकड़ता हूँ। अब मैं इसका करूँगा टेक्सचरिंग थोड़ा सा, और टेक्सचरिंग में पूरा अभी मेरा तो लेक्चर टेक्सचरिंग का लेक्चर तो हुआ नहीं है, तो इस वजह से मैं आप लोग को जो अभी नॉर्मल बेसिक टेक्सचरिंग इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आप कुछ भी अगर बना रहे हैं तो उसमें बिना टेक्सचरिंग का देखने में मज़ा नहीं आता, तो इसलिए आप लोग को जो भी नॉर्मल टेक्सचरिंग है मैं वो बता देता हूँ ताकि आप लोग उसको टेक्सचर कर सकें। और आगे चल के टेक्सचरिंग का लेक्चर आएगा तो घबराइएगा नहीं, आपको टेक्सचरिंग पूरा सीखने को मिलेगा और बाय स्टेप हर चीज़ सीखने को मिलेगा। टेक्सचरिंग हुआ, उसके बाद एनिमेशन का आएगा, लाइटिंग आएगा, तो अभी ये सब तो बाकी है, उसके बाद मोग्राफ आएगा जो लिक्विड वगैरह बनता है। तो ये मेरा सेलेक्ट हो गया, मैं इस पर मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से, ये टेक्सचर ले लिया मैं, ठीक है। इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ और इसको रेंडर में देखता हूँ कैसा दिख रहा है, रेंडर में इस तरीके से दिख रहा है। एक और मटेरियल लूँगा, जो कि ये कलर से थोड़ा सा डार्क रहेगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा फर्क है दोनों कलर में। तो ये वाले इसको मैं पकड़ूँगा, अब देखिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है वो। तो अभी बस ये हो गया, अभी इसमें काफ़ी काम बचा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बन चुका है,
इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और काम करेंगे, जो इसके बाद वाला लेक्चर आएगा उसमें मैं बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।